गाड़ी से निकलने के दरमियान में ही अपराधी लगे हुए थे पीछे से, जैसे गाड़ी रुकी वैसे ही उन्होंने अपना पिस्टल भिरा दिया, बैग मांगने लगा, बैग नहीं देने के कारण उनको गोली मार दी। एक बार फिर से सुशासन बाबू की सरकार में बड़ा धब्बा लगा है। पटना के पाटलिपुत्रा इलाके में अल्पना मार्केट के पास आईसीआईसीआई बैंक के एटीएम से 9 लाख रुपए लेकर अपराधी फरार हो गए। नमस्कार, मेरा नाम है संजय कुमार और आप देखना शुरू कर चुके हैं 10G News। पटना के पाटलिपुत्रा इलाके में अल्पना मार्केट के पास आईसीआईसीआई बैंक में कैश वैन कर्मचारी 9 लाख रुपए जमा कराने गए थे, तभी अपराधी घाघ लगाए वहां बैठे हुए थे और 3 अपराधी बाइक सवार वहां पहुंचकर कैश वैन के कर्मचारी के साथ गोली मारकर उन्हें 9 लाख रुपए लेकर फरार हो गए। अब पटना के पुलिस के लिए बड़ी चुनौती हो गई है। पुलिस वहां पुलिस के आला अधिकारी पहुंचकर जांच कर रहे हैं। अब देखने वाली बात ये होगी कि जो अपराधी फरार हुए हैं क्या पुलिस उन्हें पकड़ पाती है या नहीं, यह पुलिस के लिए बड़ी चुनौती हो गई। पटना का सबसे पॉश इलाका माने जाने वाला पाटलिपुत्रा इलाका है, सबसे VVIP इलाका है, जहां अपराधियों ने 9 लाख रुपए कैश वैन के कर्मचारियों के साथ गोली मारकर और राइफल, जो उनके साथ राइफल होता है, वो भी छीनकर अपराधी फरार हो गए हैं। अब पुलिस वहां पूरी छानबीन में जुट गई है। आप तस्वीरों में देखिए कि किस तरह से पुलिस के आला अधिकारी वहां पहुंच गए हैं। लोगों के अंदर वहां के आसपास के लोगों का खौफ देखने के लिए मिला कि दिन दहाड़े अगर 9 लाख रुपए किसी भी पॉश इलाके से अगर आईसीआईसीआई बैंक के पास से ये लूट हो जाती है तो ये पुलिस के लिए बहुत बड़ी चुनौती है और सरकार के लिए भी बहुत बड़ी चुनौती है। सरकार को कहीं ना कहीं अपराधी एक बार फिर चुनौती देकर गए हैं। आए दिन नीतीश कुमार लॉ एंड ऑर्डर की बात करते हैं और सरदार पटेल भवन यानी पुलिस मुख्यालय में बैठ के करते हैं, लेकिन उसके बाद भी पुलिस को चुनौती देकर एक बार फिर अपराधी फरार हो गए हैं 9 लाख रुपए लेकर। आए दिन लोग चोरी से तो परेशान थे ही, अब अपराधी दिन दहाड़े अपराध कर रहे हैं और लूट भी कर रहे हैं। क्या कुछ कहा है विनय तिवारी जो पटना के सिटी SP हैं, उन्होंने जब उनसे पत्रकारों ने सवाल किया कि क्या सर दिन दहाड़े इस तरह की अपराध हो रहे हैं और हत्या करके लूट कर लेकर अपराधी फरार हो गए हैं, और वहां के स्थानीय लोगों ने क्या कुछ कहा है इस पूरे मामले पर, ज़रा गौर से सुनिएगा क्या कुछ कह रहे हैं, क्योंकि उनके सामने ये घटना कैसे घटी उन्होंने आप देखी बातें कही है। घटना हुई क्या ऐसे बैंक ATM में उसको दिखाना पड़ता है? हाँ, पैसे जमा करने बैंक में आए थे लोग करने, हाँ, तो हमने देखा पैसे छीने गए हैं, तो छीन कर भागे हम लोग वगैरह देख रहे हैं। कितने की संख्या में थे सर लोग? अभी तक जो पता चला है कि 3 अपराध करने थे जो अज्ञात हैं, 3 अज्ञात अपराध करने द्वारा घटना कार्य की गई। गोली लगी है क्या सर गार्ड को? आईसीआईसीआई बैंक में पैसा डालने के लिए गाड़ी आई थी, गाड़ी से निकलने के दरमियान में ही अपराधी लगे हुए थे पीछे से, जैसे गाड़ी रुकी वैसे ही उन्होंने अपना पिस्टल भिरा दिया, बैग मांगने लगा, बैग नहीं देने के कारण उनको गोली मार दी। कितनी गोलियां मारा? एक गोली का आवाज हम लोग को सुनने में आया है, गोली मार के वो बैग लिया और उसका बंदूक भी लेकर एकदम सरे हम रोड पे जाते हुए देखा, बिल्कुल सारे लोग देखते हैं, लोग थे एक आदमी थे यहाँ पर, 2 आदमी आगे बाइक पर खड़े थे, जो बैंक कर्मी यहाँ पर पहुंचा था पैसा डालने वो भी राइफल लिए हुए थे, उसका भी राइफल लेके भागा, वो आगे कुछ दूरी पर लोग बतला रहे हैं कि आगे उन्होंने उस राइफल को फेंक दिया। कितना एज हुआ होगा उस अपराधी का? 25-30 के एज के लगभग। अच्छा, क्या पहने वाले? बस शर्ट पैंट। कितने लोग थे?
यहाँ तो एक ही आदमी थे। घटना कितने बजे? अभी से अब मिला जुला के एक घंटा हो गया। दो बीस। अच्छा एक बात बताइए, ये जो गार्ड यहाँ रहता था अमूमन यही गार्ड यहाँ? यहाँ का गार्ड कोई नहीं है, बिना गाड़ी लवारिस है। अच्छा, पूरा लहरा रहा था पिस्टल अपराधी लोग? नहीं नहीं, कुछ लहरा, एकदम शांतिपूर्ण वातावरण में मारा अपना हाथ में ऐसे करते हुए। किस चीज से भागा है? पैदल आकर गाड़ी उधर लगा हुआ था। बैंक कर्मी का राइफल भी लेके भाग गया? हाँ, बैंक कर्मी। मुंह ढका हुआ था अपराधी? नहीं, मुंह नहीं ढका हुआ था। ब्राउन रंग का मतलब कि शर्ट पहने हुए था।